राजकीय महिला महाविद्यालय बल्लभगढ़ और तिगांव के प्रिंसिपल इकबाल सिंह सिंधु पर हुए जानलेवा हमले में अभी तक पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिससे नाराज होकर तिगांव कॉलेज और बल्लभगढ़ महिला कॉलेज के विद्यार्थियों ने जिससे नाराज होकर तिगांव कॉलेज और बल्लभगढ़ महिला कॉलेज के विद्यार्थियों ने रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, कॉलेज के प्रोफेसरों ने भी कक्षाओं का बहिष्कार किया और धरने पर बैठे रहे। छात्राओं का कहना है कि 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जाम लगने से लोगों को हुई परेशानी को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं को आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ही विद्यार्थियों ने जाम खोला। हमला किया गया, आज 5 से 6 दिन हो गए और पुलिस को भी हमने कंप्लेंट किया, तो हमें वहाँ से कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस भी इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हम चाहते हैं कि पुलिस ऐसा कुछ करे जिससे कि उन्हें न्याय मिले। जिन्होंने उन पर हमला किया है उनको पकड़ा जाए, ऐसा कुछ करे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे प्रिंसिपल सर को इंसाफ देना है, कैसे भी दिलाइए, क्योंकि उनके 4-5 दिन हो गए, हमने हर जगह ट्राई कर लिया, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमलावर का पता नहीं चल पाया है बिल्कुल भी, कौन है, कहाँ है। तिगांव कॉलेज के आसपास उनका ये सब हुआ है, उनके साथ हमला हुआ है और उनके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमलावर प्रशासन शांत बैठी है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमें। पुलिस से हमने कई बार, हमारे लेक्चरों ने बात करी है, पुलिस वालों से एप्लीकेशन दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक 10 दिन होने को आ रहे हैं, क्या कर रहा है हमारा पुलिस प्रशासन, जो हमारे प्रिंसिपल सर को इंसाफ नहीं दिला सकता, आम जनता को इंसाफ नहीं दिला सकता। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है प्रॉपरली। 1 हफ्ता हो गया, प्रिंसिपल साहब को जानलेवा हमला हुआ, शिकायत दी गई है, स्टाफ ने जाके ना जो ना शिकायत दी है, कमिश्नर साहब को भी दी है, SDM साहब को भी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक, इसलिए बच्चे जाम लगाए हुए थे। अभी तक पुलिस वाले की तरफ से क्या कहा जा रहा है? भाई यूँ कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पकड़े नहीं गए हैं जिन्होंने दिन दहाड़े ये हादसा किया। एक तरफ तो जो CM खट्टर है वो लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा में जो क्राइम का जो ग्राफ है, वहीं दूसरी तरफ एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे जो इस तरीके से प्रिंसिपल है, जो कॉलेज संभाल रहे थे, उन पर जानलेवा हमला किया जाता है, तो क्या कहना चाहोगे? हम ये नहीं समझ पा रहे, ये प्रशासन की कमी है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये प्रशासन की कमी है। अगर प्रशासन चाहता तो उसी टाइम वो पकड़ सकता था। पुलिस मैन वहीं आई थी, लेकिन पुलिस मैन वालों ने पकड़ा नहीं उनको तुरंत, नहीं तो कोशिश करते पकड़े जाते, तुरंत पकड़े जाते हूँ। आगे प्रशासन पे है, कार्रवाई करते हैं, बच्चे बताएंगे बच्चे क्या कदम उठाने वाले हैं।